एट्रोसिटीज़ हो रही हैं जो बयान करने में भी शर्म आती है। लूट पसोट तो मोटरसाइकिल गायब होना या बंदूक दिखा के पैसा लूट लेना तो आम बात है, लगभग हर जगह हर दिन हो रहा है। तो आउट ऑफ कंट्रोल है ये सरकार, चूँकि एक बीजेपी है वो एक तरफ जा रही है और जेडीयू है वो दूसरी तरफ जा रही है। असेंबली में हम लोग को सुनने में मिलता है दो मुखी सरकार है ये, एक इंजन एक तरफ दूसरी इंजन दूसरे तरफ। ये आवाम, पूरे हिंदुस्तान की आवाम, जैसा मैंने कहा, सारे चार सालों में परेशान हो गई। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हुई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हुई, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बर्बाद कर दिया गया, किसानों की हत्याएं बढ़ गई, रोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो इसका नतीजा तो कुछ अच्छा ही होगा कांग्रेस आने के बाद। पिछले कुछ सालों में बिहार की छवि खराब हुई थी, लेकिन अभी जो स्थिति है वो शायद हिंदुस्तान में सबसे ख़राब अगर कोई जगह है लॉ एंड ऑर्डर के मसले में तो वो सुशासन राज बिहार में। जितनी मर्डर या जितनी क्राइम्स हुआ करती थी सो कॉल्ड जंगल राज में, उसका दुगुना हो रहा है। दिन दिहाड़े मर्डर हो रहे हैं, कम हो गई। और हमने देख लिया कि दो महीने कबल जो रिजल्ट आया था 5 स्टेट्स का, कहीं पे उनकी ये नहीं रही, सरकार नहीं रही। और वो 3 जगह जो आरएसएस का गढ़ माना जाता है वहाँ से लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। तो एक मिजाज बन चुका है लोगों का, वो चाहते हैं कि भाई पीसफुली माहौल रहे, लोग अपने काम में मशरूफ रहे और गवर्नमेंट से उनको मदद मिले। आज जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी है वो परेशान है, जो हमारे यूथ जिनको नौकरी 2-2 करोड़ मिलने की बात थी वो परेशान है। नौकरी तो मिलने की दूर की बात, जो जितनी नौकरियां थे उसमें भी कटौती हो गई। ये उनसे वक्त लेके यहाँ पे 3 तारीख का आने का उनका फैसला किया गया, और इसमें हम कांग्रेस जनों को बड़ी खुशी है और उत्साह है। और हमसे ज़्यादा, हम लोग तो घूम रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से, हमसे ज़्यादा आवाम में उत्साह है। और मैं यकीन के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी मैदान में जो भीड़ 3 तारीख को होने वाली है, इससे कबल इतनी भीड़ कभी गांधी मैदान में नहीं है।